Hello, darlings. It's showtime. Welcome to another episode of Bollywood This Week. Pafan Mahamad Ansari, aap sabhi loka, Pan India superstar, darling Prabhas ki film Adi Purush ke day number 3 ke final box office collection prediction episode mein tahe dil se hardik swagat karta hoon. Kya ho raha hai mera bhai? But friends, expect the unexpected. कल जहां पर हम ये उम्मीद लगाकर चल रहे थे कि आदि पुरुष अपने सेकेंड डे पर एटलीस्ट 85 टू 87 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड कमा ले, वहीं पर गाइस आज सुबह तक यानी कि सैटरडे को रात के शोज को देखकर लग रहा था कि नहीं, वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं 90 प्लस करोड़ आएगा. लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, द कलेक्शंस ऑफ कर्नाटका हैव सरप्राइज्ड एवरीवन. द फिल्म इज डूइंग अ रियल गुड बिजनेस. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि कल की यानी कि मंडे की एडवांस बुकिंग भी आदि पुरुष की बहुत ही इंकरेजिंग है. बस गाइज, अब इंतजार है कि आज के कलेक्शंस कितने आते हैं एंड हमारे पास 3 दिनों का एक प्रॉपर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का पोस्टर होगा. उसके आगे जनता डिसाइड करेगी मंडे से कि फिल्म कहां जाने वाली है कहां नहीं. चलिए गाइज, आज का एपिसोड शुरू करते हैं विद द कलेक्शंस ऑफ आदि पुरुष. तो गाइस बात करते हैं डे नंबर 1 के कलेक्शंस की. तो डे नंबर 1 का जो कलेक्शन था आदि पुरुष का हिंदी वर्जन का, वो था 37.25 करोड़. हमने कल का प्रेडिक्शन यानी कि डे नंबर 2 का 36 टू 37 करोड़ लगाया था. लेकिन ब्रेस योरसेल्फ्स, द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर आदि पुरुष हिंदी वर्जन इज 38 करोड़. यस फ्रेंड्स, 38 करोड़ यानी कि अपने पहले दिन से ज्यादा कमाते हुए 38 करोड़ इस फिल्म ने कमाया है. इसी के साथ 2 दिनों में कलेक्शंस हिंदी वर्जन के 75.25 यानी कि 75.25 करोड़ के हो चुके हैं. ये गाइस, मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको एक इन डेप्थ बॉक्स ऑफिस वीडियो बनाकर देता हूं. मैं चाहूं तो मैं भी आकर एक 1.5 मिनट में ये पूरा का पूरा कलेक्शन आपको बता के जा सकता हूं, जस्ट द नंबर्स. लेकिन माय जॉब इज टू कम हियर एंड गिव यू प्रॉपर कलेक्शंस विद प्रॉपर एरिया वाइज डेटा. तो जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए. जितने लोग भी देख रहे हो कृपया करके लाइक करना ना भूलें. इसी नोट पे एपिसोड आगे बढ़ाते हैं. सो गाइस, 38 करोड़ का जो ग्रॉस होता है वो है 45.6 करोड़ नंबर 1. हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि इसके साउथ के जो वर्जन है वो 30 करोड़ का ग्रॉस कमाएगा. तो गाइस, नेट कलेक्शन जो है साउथ में यानी कि एपी तेलंगाना, जस्ट आंध्र प्रदेश तेलंगाना 27 करोड़ का नेट आया है. इसका ग्रॉस होता है 32.4. तो हिंदी वर्जन ग्रॉस 45.6, साउथ का यानी कि एपी तेलंगाना का ग्रॉस 32.4. एंड गाइस, ओवरसीज का प्रेडिक्शन मैंने किया था कि फिल्म कहीं ना कहीं 12 टू 13 करोड़ कमाएगी. फिल्म ने 11.50 करोड़ कमाया है यानी कि एपी तेलंगाना एंड हिंदी वर्जन का ग्रॉस 78 करोड़, ओवरसीज 11.50, यही 89.5 करोड़ होता है. कर्नाटक का द फिल्म इज डूइंग रोरिंग बिजनेस. एक्स्ट्रा शोज ऐड किए गए हैं. इतना ही नहीं, आज तेलंगाना में 11:59 पीएम के शोज भी ऐड किए गए हैं. कर्नाटका में वापस कंसेक्यूटिवली दूसरा दिन भी 6 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन किया है इस फिल्म ने. 6.3 करोड़ रुपीज का कलेक्शन कर्नाटका में, तमिलनाडु एंड केरला में फिल्म ने 2.20 करोड़ कलेक्शन करते हुए 98 करोड़ रुपीज कमा लिया है. यानी कि 98 करोड़ तो फिल्म ने डेफिनेटली कमाया है. अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कलेक्शन अगर प्रोड्यूसर बराबर से रिपोर्ट करे यानी कि कितने आए तो हमारे लिए भी अच्छा होगा. एक ऐसा पोस्टर डिजाइन करे कि इंडिया ग्रॉस इतना, ओवरसीज ग्रॉस इतना, लेकिन वो होते हुए नहीं दिखाई दे रहा. एंड द प्रोड्यूसर्स हैव गिवन द ऑफिशियल फिगर फॉर डे नंबर 2 100 करोड़. तो हमारे फिगर से सिर्फ 2 करोड़ ज्यादा है उनका फिगर, फेयर इनफ. तो गाइस, द ऑफिशियल फिगर फॉर आदि पुरुष ऑन सेकेंड डे इज 100 करोड़, डे नंबर 1 140 करोड़. आदि पुरुष ने 2 दिनों में 240 करोड़ का बिजनेस जो है वो यहाँ पर कर लिया है. अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर ऑल इम्पोर्टेंट संडे की. तो गाइस, संडे हिंदी 3D वर्जन इज ऑन ओवर ड्राइव. मॉर्निंग 48% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 75 एंड इवनिंग 78. संडे कर्स विल हिट आदि पुरुष. मंडे कल काम पे लोगों को जाना है, संडे के रात के शो जंप नहीं लेते हैं. उस पर सब कुछ जो है वो निर्भर है अभी कितना होता है. लेकिन लुक एट द ऑक्यूपेंसी, स्टैगरिंग. क्या 3D क्या 2D, जनता फिल्म देखने के लिए जा रही है. दैट्स इनफ, फिगर्स डू द टॉकिंग एंड दैट्स व्हाट आदि पुरुष इज डूइंग. बात करो मुंबई की, 794 शोज में 75% ऑक्यूपेंसी, सुपर्ब. यही पिक्चर अगर गाइस के प्रोड्यूसर 450 रुपए टिकट रखते ना, जो आइडियली इसका रखना चाहिए था, आज कलेक्शन कुछ अलग ही होते. 50-55 करोड़ कलेक्शन हो रहे. जो लोग बोल रहे हैं ना कि 40-35 क्यों आ रहा है, टिकट का भाव उतना है. अगर 250-260 छोड़कर 450-500 रखो ना टिकट,
तब जाके कलेक्शन फाड़ेगा, लेकिन वो चाहते थे कि सब ये फिल्म देखे एंड वो दैट इज यू नो वॉट इज हैपनिंग राइट नाउ. दिल्ली एनसीआर 652 शोज 82% ऑक्यूपेंसी बात कर रही है. पुणे 273 शोज 74% ऑक्यूपेंसी. बेंगलुरु 135 शोज 69%. हैदराबाद 41 शोज में 90%. लुक एट कोलकाता 211 शोज में 79% की ऑक्यूपेंसी. संडे धमाका फॉर आदि पुरुष. अहमदाबाद हिंदी 3D 188 शोज 71% ऑक्यूपेंसी. अहमदाबाद 2D मेरे को है ना बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहा है क्योंकि पिछले कई साल में स्पेशली लॉकडाउन के बाद अहमदाबाद इज नॉट परफॉर्म. अहमदाबाद 408 2D शोज 68% ऑक्यूपेंसी. मैड ऑक्यूपेंसी. सूरत 201 2D शोज 80% ऑक्यूपेंसी. मुंबई 301 हिंदी 2D शोज 58% एंड दिल्ली एनसीआर 493 2D शोज में 67. इसी के साथ माई प्रेडिक्शन फॉर आदि पुरुष ऑन द थर्ड डे हिंदी वर्जन आंख बंद करके 40 करोड़ रुपया. अगर रात के शो साथ दिए इन्हें 40 करोड़ के ऊपर भी जाएगी. सो गाइज डे नंबर 1 37.25, डे नंबर 3 38, आदि पुरुष 3 दिनों के वीकेंड में 115.25 115.25 करोड़. दी ऑडियंसेस हैव सीन आदि पुरुष एंड गिवन द कलेक्शंस फॉर द फिल्म. अब गाइज बात करते हैं ऑल इंपॉर्टेंट तेलुगु वर्जन की. तेलुगु 3D हैदराबाद 439 शोज में 422 शोज हाउसफुल थे. स्टैगरिंग कलेक्शंस. बेंगलुरु 408 शोज 58% ऑक्यूपेंसी. विजयवाड़ा 101 शोज में 96 हाउसफुल. वरंगल 30 में 30 हाउसफुल. गुंटूर जिला 25 शोज में 82% ऑक्यूपेंसी. वाइजैग 132 शोज में 92% ऑक्यूपेंसी. करीम नगर 5 शोज में 5 हाउसफुल. महबूब नगर 4 में 4 हाउसफुल. माई प्रेडिक्शन फॉर आदि पुरुष का साउथ का वर्जन यानी कि एपी तेलंगाना का वर्जन, सिर्फ एपी तेलंगाना 30+ करोड़ नेट. कल से 27 करोड़ नेट कमाया था, आज 30 करोड़ नेट प्लस कमाएगा. यानी कि हिंदी वर्जन 40 नेट का प्रेडिक्शन है तो ग्रॉस होगा 48. ओवरसी 10 से 11 पकड़ लो आप लोग. एपी तेलंगाना का ग्रॉस 36 करोड़. उसके बाद कर्नाटका तमिलनाडु एंड केरला मिला लू. आदि पुरुष का मेरा प्रेडिक्शन इसके तीसरे दिन का 102 से 105 करोड़. ये बहुत मिनिमम प्रेडिक्शन देकर जा रहा हूं तुम लोग को. मैं चाहूं तो कल का प्रेडिक्शन में 100 करोड़ बोल के जा सकता था. आई डोंट वॉन्ट टू ओवर प्रेडिक्ट दिस फिल्म. समझ में आ रहा है, जो रियलिस्टिक है वो ही आपको डेटा देकर जा रहा हूँ. ज्यादा आएगा तो अच्छी बात है, हमेशा वेलकम है वो ज्यादा कलेक्शंस. तो गाइस 102 से 105 105 करोड़ कमाती है. कल का पोस्टर 345 करोड़ का कैसे भी आने वाला है. आदि पुरुष 3 डेज में 345 करोड़. प्रभास माइंड ब्लोइंग. बाहुबली 2 साहो एंड अब जाके ये फिल्म भी 300 करोड़ के ऊपर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है इंक्लूडिंग बाहुबली 1. दिस इज क्रेजी नंबर्स फॉर प्रभास द रियल पैन इंडिया सुपरस्टार. उनकी फिल्मों को रिव्यू से इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. आदि पुरुष जस्ट सरपासिंग एवरीबॉडीज एक्सपेक्टेशंस. अब भैया इंतजार है कि कल मंडे को क्या होगा इस फिल्म का. इंतजार कीजिए. ओके मंडे डिसाइड करेगा कि आदि पुरुष कहाँ जा रही है कहाँ नहीं. ओके गाइस होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा. तेलुगु 3D की ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग 62, आफ्टरनून 82 एंड नाइट में 80% की यहाँ पर चल रही है. ओके गाइस जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए. भैया इससे पता चलता है हमको कि आपको एपिसोड पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा. स्पैमर अंसारी साइनिंग ऑफ. यू गोना सी मी वेरी सून. एंड 3 दिन हो चुके हैं अभी. कल मंडे से मैं आपको आदि पुरुष के कुछ सीन्स के बारे में बताऊंगा जो डिजर्व करते हैं कि आप सभी लोगों को पता चले कि उन सीन्स के पीछे क्या गया है. मैंने अपने रिव्यू में भी मेंशन किया है एंड वापस से कल हम इसके बारे में अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में डिस्कस करेंगे. स्पेशली द मंकी फाइट जिसमें सिर्फ मो कैप सूट यानी कि मोशन कैप्चर सूट पहनकर आदमियों ने उनके हर एक एक्सप्रेशन को कैप्चर किया. उसके बाद किस तरह से उनको VFX एंड CGI से जो मंकी का किरदार है वो बनाया गया एंड दो मंकी के बीच में जो फाइट हुआ वो सीन के बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगा. अबाउट द 3D ओवरलैपिंग एंड किस तरह से विद दिस बजट दैट कंप्लीट सीन वाज शॉट विद मोशन कैप्चर कैरेक्टर्स विद रियल कैरेक्टर्स एंड विद कैरेक्टर्स हु हैड हैवी प्रोस्थेसिस. तीनों को मिक्स करके ओवरलैप करके 3D शूट करना एक आसान सीन नहीं था. वो सीन काफी अच्छी तरीके से आया. और सारी चीजें आप सभी लोगों को कल से बताऊंगा.
Till then, as always, say, stay cool, man.